भैया क्या हुआ था आज? करीब हम लोग 11 बजे कोर्ट आए हैं और मैं मौके पे मौजूद था, यहाँ एक संजू लोधी के दरवाजे पे खड़ा था, चैम्बर के सामने जूनियर, और मैं उनका जूनियर हूँ। उतने में एजाज अहमद, आजम खान और 3-4 अज्ञात लोग इधर से आए गेट नंबर 3 की तरफ से, और करीब 5-6 लोग इधर से आते हैं 4 नंबर गेट से। इधर से अचानक बम फेंकना शुरू कर देते हैं, सुतली बम था क्या था, और इधर से 4 नंबर गेट की तरफ से भी आते हैं कुछ लोग, जिसमें से 3 बम फटे हैं यहाँ पे, 3 फटे हैं और करीब 8 से 10 बम यहाँ पे फेंके गए, और जिससे जो है हमारे संजीव लोधी जी के सर पे चोट आई जिससे फेंका गया बम, और प्रमोद लोधी जिनके पैर के पास बम लगा, और 4-5 लोग मुझे पकड़ा जो कि पिस्टल लिए हुए थे, पिस्टल लिए और करीब 3-4 लोग भागे, करीब अंदाजा नहीं लगाया जा सके, लेकिन 8-10 लोग थे। 2 लोग वकील हैं और सब विवाद कल किसी बात को लेकर के हुआ था, लेकिन अब ये शिकायत की गई थी, लेकिन महामंत्री दबाव बना रहे थे किसी जो है कार्यकारिणी यहाँ के जो अधिकारी हैं उन पे जो है किसी प्रकार का लेकर के डीजे के सर पे बम मारा है उसको लेकर के बात हो रही बच गया बम पे हमने में। अभी हालत कैसी है उनकी जिनको बम लगाया वकील साहब? जिन अभी तो हालत ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता तो शायद जान जा सकते, सर के ऊपर आकर के सीधे बम पड़ा। मेरा श्याम सुंदर लोधी एडवोकेट, मैं जूनियर हूँ संजीव लोधी का, 3 लोग मुझे पकड़े हुए थे और पिस्टल लेके आए हुए थे इधर से, करीब 4 लोग घायल हुए हैं, पिस्टल 2 लोग के पास पिस्टल थी। सीसीटीवी फुटेज में उधर